तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ हमारे आने वाले ओबी अपडेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि मैंने अभी तक आप लोग को नहीं बताए हैं। यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें निकल के आई हैं जो कि मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पे हमारे नए इमोट के बारे में, जो कि यहाँ पे हम लोग को गिल्ड टोकन के जरिए जो है देखने को मिल जा सकता है। तो अगर आप भी वो इमोट देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, छोटा सा सब्सक्राइब मत करना, और वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी नई वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के, बिना किसी वक्त के जाया करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो भाई लोग, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ हमारे आने वाले टोकन टावर इवेंट, और साथ ही यहाँ पे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ हमारे आने वाले वेपन रॉयल के बारे में, जो कि यहाँ पे सेम थीम पे ही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला हो सकता है हमारा आने वाला टोकन टावर इवेंट, जिसमें कि हम लोग को ये वाला बंडल देखने को मिल सकता है। और ये बंडल मैंने आप लोग को यहाँ पे पहले ही दिखा के रखा था कि ये जो बंडल है हम लोग को किसी टोकन टावर इवेंट में वरना किसी और इवेंट में हम लोग को देखने को मिल सकता है, जिसमें मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि ये इसके चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है कि टोकन टावर में आने। और अब तो यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे क्लिप भी निकल के आ चुकी है, जिसमें हम लोग को टोकन टावर में ही इवेंट में देखने को मिल रहा है, जो कि फुल टोकन टावर के ही बैकग्राउंड के थीम पे है। साथ ही इसमें जो अभी जो आपने देखा वो यहाँ पे इसके साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होने वाला है। और साथ ही आप लोग को ये बंडल कैसे लग गए आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से शेयर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर ये आता है तो क्या आप लोग यहाँ पर डायमंड लगाओगे या नहीं लगाओगे? अगर आपको ये बंडल अच्छा लगता है तो ही यहाँ पे अपने डायमंड लगाना। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे वेपन रॉयल के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ हमारे इस वाले टोकन टावर इवेंट का डेट। तो यहाँ पे जो ये इवेंट है हम लोग को 22 सितंबर को देखने को मिल जाएगा, 22 नहीं तो यहाँ पे 20 डेट को जो है ये वाला इवेंट है हम लोग को हमारे इंडियन सर्वर में देखने को मिल जाएगा। तो पहले जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे हमारे मिनी उजी और मैक्स 7 के गन स्किन के बारे में, जिसमें यहाँ पे मिनी उजी की गन स्किन जो लेजेंडरी होने वाली है, तो वही स्किन यहाँ पे जो हम लोग को वेपन रॉयल में देखने को मिल सकती है, जिसमें यहाँ पे मैक्स 7 भी होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से जो हम लोग को उसका देखने को मिल सकता है बैनर और इंटरफेंस, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो जिसमें हमारे उजी के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स दिए गए इसके एट्रीब्यूट्स के भर के। तो आपको इसमें डैमेज, सिंगल प्लस, रिलोड स्पीड जो है हम लोग को माइनस देखने को मिलता है, सिंगल और एक्यूरेसी डबल प्लस, यानी कि 20% का आपको यहाँ पे एक्यूरेसी मिलता है। साथ ही बात करें यहाँ पे मैक्सिमम स्किन के, तो ये भी यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छा है, बस इसमें इफेक्ट्स जो है इतने ज़्यादा नहीं दिए। इसमें हम लोग को रेंज सिंगल प्लस, रीलोड स्पीड जो है हम लोग को सिंगल माइनस, और एक्यूरेसी जो है सिंगल प्लस देखने को मिल जाएगा। तो भाई अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हमारे ओबी अपडेट से रिलेटेड अपडेट्स, यानी कि जो हमको ओबी अपडेट में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे प्लेन का लुक बता देता हूँ। तो ओबी अपडेट के बाद यहाँ पे जो बुया 2.0 का कुछ प्लेन का जो लुक है कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिसे कुछ टाइगर का कुछ ऐसे इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो आप लोग को लॉबी प्लांट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप यहाँ पे स्केलेटन भी देख पा रहे हो। और साथ ही आप लोग को यहाँ पे टॉप में फायर देखने को मिलेगा, इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि अभी तक जो इसमें जो एनिमेशन है वो ऐड नहीं किए गए। तो जैसे एनिमेशन का मेरे को लुक पता चलता है तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा। तो पहले अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ हमारे स्नाइपर हील गन के बारे में, जिसमें कि मैं आपको फुल अपडेट बताने वाला हूँ इसके गन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वाली हमारे होने वाली हमारी स्नाइपर हील गन, जिसमें कि आप लोगों को इस वाले गन में जो है 2x स्कोप भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी, हम लोग इस गन में जो है 2x स्कोप का यूज़ कर पा रहे हैं। तो साथ ही इसमें जो आप यहाँ पे हेडशॉट भी देख पा रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। और साथ यहाँ पे जो इसका बॉडी डैमेज भी यहाँ पे 54 का लग देखते हुए मिलता है, और साथ यहाँ पे रेट फॉर फायर भी यहाँ पे देख पा रहे हो। और भाई लोग, साथ ही इसी की तरह जो आप लोग को यहाँ पे ट्रीटमेंट शॉर्ट गन भी देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पे इसका फुल लुक देख पा रहे हो, जो कि सेम इसी तरह से काम करेगा, बस इसमें आपको स्कोप देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही इसका रेट ऑफ फायर थोड़ा सा अलग होगा, और साथ ही बाकी सब तो यहाँ पे सेम ही होगा।
और भाई लोग, अब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ यहाँ पे एक ऐसे मशीन के बारे में जो कि आप लोग यहाँ पे एयर ड्रॉप में मिल सकता है। यानी कि आप जी जो मशीन देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पे पिंक मशीन होने वाली है ये, जो कि आप यहाँ पे एयर ड्रॉप के जरिए बुला पाओगे। साथ ही इसमें आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग को यहाँ पे M82B जो है देखने को मिल जाता है। और भाई लोग, आप लोग को यहाँ एक चीज़ बता दूँ, ये वाला दूसरा होने वाला है, इसमें जो है आप लोग को पिंक कलर की रे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को जहाँ तक लगता है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा भी बुलाता है तो शायद से उसका जो है ये भी हम यूज़ कर पाएंगे। और गाइस, साथ ही यहाँ पे आप लोग को OB अपडेट के बाद यानी OB 30 में आप लोगों को यहाँ पे एक नया चेंज देखने को मिलेगा बुया के टाइम पे। जैसे ही यहाँ पे आप कोई बुया करते हो तो यहाँ पे आप लोग को स्लो मोशन में देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे, कुछ इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे स्लो मोशन में देखने को मिलेगा बुया करने के बाद। और साथ ही अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पे हमारे नए चैट सेक्शन के बारे में। यानी कि चैट कुछ इस तरीके से होने वाला है, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे लॉबी में जो भी बंदा है वो यहाँ पे कुछ चैट के सेक्शन में यहाँ पे मैसेज कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से प्लेयर के ऊपर वो दिखाया जाएगा। तो ये वाला जो है चेंज आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे यहाँ पे कमेंट में ज़रूर से शेयर करना। तो भाई लोग, अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के फाइनल टॉपिक की, यानी कि हमारे जो गिल्ड टोकन के जरिए जो हम लोग को एक इमोट मिलने वाला है वो कौन सा होने वाला है, उसका फुल लुक यहाँ पे मैं आप लोग को जो है दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपको यहाँ पे अभी तक वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ यहाँ पे एक लाइक ज़ोर से कर देना। आपके हर एक लाइक और छोटे से छोटे कॉमेंट से मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ यहाँ पे एक छोटा सा लाइक ज़रूर से कर देना, और हो सके तो यहाँ पे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो बाजू वाला बेल नोटिफिकेशन उसको और पे सेट कर देना, ऐसे और भी नई वीडियोस के लिए, और ऐसे और भी नई वीडियोस के लिए जो है बेल नोटिफिकेशन को भी और पे सेट कर देना, जिससे कि आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप डेली के डेली हर दिन 9 बजे हमारे जो अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। तो भाई लोग, ये वाला इमोट हो सकता है जो हमको गिल्ड एक्सचेंज में, सॉरी यहाँ पे गिल्ड टोकन के एक्सचेंज में देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन लगा के बता रहा हूँ आप लोग को कि ये वाला जो इमोट हम लोग को गिल्ड टोकन के एक्सचेंज में देखने को मिल सकता है। साथ यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ 25 डायमंड्स का भी इसमें लग सकता है, लेकिन यहाँ पे डायमंड्स का यहाँ पे तो फिलहाल कम चांस है। इसके बदले में यहाँ पे हम लोग को एक अमाउंट में जो है गिल्ड टोकन से यहाँ पे जो हम लोग को मांगा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे कम से कम 1 से 2 हज़ार तक का यहाँ पे मांगा जा सकता है, मिनिमम यहाँ पे 800 हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? और साथ ही जो मैंने आप लोगों को इमोट दिखाया वो शायद से आप लोगों ने अच्छे से देख लिया हो, और साथ ही वो जो जिसमें फ्लैग था वो यहाँ पे एडिटिंग के जरिए ऐड किया गया है, क्योंकि अभी तक जो उसका फुल लुक यहाँ पे निकल के नहीं आया है। अगर वहाँ पे उससे मेरे को निकल के आता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँगा। साथ ही ये यहाँ पे जो चलते हैं हम लोग को हमारे गिल्ड वॉर के चलते जो हम लोग को देखने को मिल जाएगा हमारे फ्री फायर में। मैंने आप लोग को यहाँ पे पहले ही बता के रखा था कि हम लोग को क्लैश स्क्वाड में यहाँ पे जो है गिल्ड इवेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो गिल्ड वॉर यहाँ पे हमको बहुत ही जल्दी फ्री फायर में देखने को मिलने वाला है, तो उसके चलते ही यहाँ पे ये इमोट जो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अलग साथ यहाँ पे लीक्स के जरिए पता चला है कि जो हमारा फ्री फायर का जो अगला कोलैबोरेशन होने वाला है वो यहाँ पे वेनम के साथ होने वाला है। ये मैंने यहाँ पे बड़े बड़े डाटा माइनर्स के जरिए पता चला है कि ये जो हमारा अगला कोलैबोरेशन होने वाला है फ्री फायर का, वो यहाँ पे एक वेनम मूवी के साथ होने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये होने वाला है कुछ उसका पिक, यानी कि ये रियल पिक तो हम नहीं बोलने वाले, उसी मूवी का यहाँ पे एक छोटा सा है ये। तो इसी के रिलेटेड हम लोग को फ्री फायर में बहुत ही जल्द बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है ग्लू वॉल की स्किन, तो जो कि यहाँ पे पक्का हम लोग को देखने को मिलने वाली है कोलैबोरेशन के जरिए। और साथ यहाँ पे जो इसका बंडल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, साथ ही यहाँ पे जो है इसका हम लोग को बैकपैक तक देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन पता लगा कि नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ। ग्लू वॉल यहाँ पे आएगा इतना मैं यहाँ पे आप लोग को कन्फर्म बता सकता। तो गाइस, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे ही और भी नई वीडियोस के लिए हर दिन 9 बजे आप लोग यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।